हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ बाथरूम टूर शेयर करने वाली हूं और साथ ही इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कैसे हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने छोटे बाथरूम को बड़ा दिखा सकते हैं। फ्लैट्स में रहने वालों के लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगा। मोस्टली फ्लैट्स में रहने वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि वो अपने बाथरूम को बड़ा बना सकें, लेकिन अगर हम कुछ टिप्स का ध्यान रखें तो हम बाथरूम को बड़ा तो नहीं बना सकते, लेकिन बड़ा दिखा जरूर सकते हैं। तो आइए बाथरूम के अंदर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बाथरूम में एक छोटा सा वॉश बेसिन लगवाया है। बाथरूम के सेंटर में मैंने एक रोड लगाकर प्लास्टिक का कर्टन लगाया है और मैंने अपने बाथरूम में ज्यादा दीवारें और कॉर्नर को यूज किया है। छोटे बाथरूम में हमेशा टाइल्स और फ्लोरिंग लाइट कलर की करवानी चाहिए। लाइट कलर की टाइल्स लगवाने से बाथरूम खुला और बड़ा लगता है। मैंने अपने बाथरूम में एक दीवार पर सिर्फ दो लाइन की टाइलें ही कलरफुल लगवाई हैं, बाकी सारी साइड्स मैंने व्हाइट कलर की रखी हैं। छोटे बाथरूम में हमेशा पूरी रोशनी होनी चाहिए। मैंने अपने बाथरूम में व्हाइट कलर का ही पेंट करवाया है और व्हाइट ही टाइल्स हैं, व्हाइट ही फ्लोरिंग है, तो हमारे बाथरूम में बहुत ही रोशनी होती है। और वॉश बेसिन भी मैंने कॉर्नर में लगाया है और छोटे साइज का लगवाया है। तो अभी मैं कर्टन साइड में करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने बाथरूम में कॉर्नर्स को कैसे यूज किया है। आजकल मार्केट में कई तरह के शेल्फ रैक्स मिलते हैं, तो मैंने भी फाइबर का शेल्फ रैक लगा रखा है। तो ऊपर वाले रैक पर मैंने अपने हस्बैंड के शेविंग का सामान रखा है। छोटे बाथरूम में कबर्ड वगैरह बनाने से जगह और भी कम हो जाती है और बाथरूम और भी छोटा लगता है। और नीचे वाले रैक पर मैंने डेली यूज होने वाली अपनी चीजें रखी हैं। तो इस रैक पर पाउडर, डियो, शैम्पू, फेस वॉश, ये सारी चीजें पड़ी हैं। और नीचे मैंने एक डस्टबिन रखा है। और एक छोटा रैक मैंने इधर कॉर्नर में लगा रखा है जिस पर हार्पिक और ब्रश रखा है। तो इस तरह से मैंने अपने बाथरूम के कॉर्नर्स को यूज किया है। और बीच में कर्टन लगाने से हम कर्टन कर देते हैं तो बाथरूम अलग हो जाता है और टॉयलेट अलग हो जाती है। अगर कोई बाथरूम में एंटर करता है तो उसको सिर्फ बाथरूम ही नजर आता है। और दीवार पर मैंने टॉवल के लिए रॉड लगा रखे हैं। दीवार पर मैंने टॉवल स्टैंड लगाया है जिस पर कपड़े टांगने के लिए हुक्स भी लगे हैं। तो अभी मैं दोबारा से कर्टन कर दूंगी। बाथरूम को हमेशा सूखा रखना चाहिए। बाथरूम को यूज करने के बाद हमेशा वाइपर मार देना चाहिए, क्योंकि आजकल टाइलें लगी होती हैं तो पैर स्लिप होने का डर रहता है। तो और वैसे भी सूखा हुआ बाथरूम अच्छा लगता है। आपको बाथरूम टूर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।